मोदी देश की जनता के साथ है, उससे ये घबराए हुए हैं और उसी घबराहट में इस तरीके के ऊंचे कार्य कर रहे हैं। पुलिस हमें कितना रोकेगी, कब कब रोकेगी? प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस और अन्य 16 नेताओं ने किया लोकसभा के अंदर जमकर विरोध, देखकर मोदी सरकार भी दंग रह गए। बता दें कि कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराने के खिलाफ में और अडानी समूह से जुड़े मामले को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर सोमवार को यानी आज प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में काले कपड़े पहनकर रखे थे। विपक्षी नेताओं ने पहले संसद परिसर में धरना दिया और फिर विजय चौक तक मार्च निकाला। संसद भवन में परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दिए गए इस धरने में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई सांसद द्रविड़ मुत्तेत्र कश्यप के साथ और भी कई नेताओं मौजूद थे। कांग्रेस के सभी सांसदों द्रमुक के बालू, आरएसएसपी के प्रेमचंद और कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने भी काले कपड़े पहने हुए थे। सांसद परिसर में धरने के बाद विपक्षी सांसदों ने विजय चौक तक मार्च निकाला। उन्होंने हाथों में एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विपक्ष के मार्च में तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रसून बनर्जी भी शामिल हुए। उन्होंने 18 विपक्षी दलों की बैठक में भी भाग लिया। तृणमूल कांग्रेस लंबे समय बाद कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की किसी बैठक और प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राहुल गांधी को आयोग ठहराने जाने के खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों का आभार जताया है। इधर पूरी तरीके से पूरे देश में विरोध जारी है और मोदी के खिलाफ जमकर विरोध जारी है। मोदी का पुतला और टायर फूंक रहे हैं लोग, और जिस तरीके से जहां भी बैनर और मिल रहे हैं उसे फाड़ कर पूरी तरीके से जला दे रहे हैं लोग। विजय चौक पर संवाददाताओं से कहा कि हम काले कपड़े पहनकर आए हैं क्योंकि हम यह दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। पहले स्वयं संस्थाओं को खत्म किया गया और फिर डरा धमका कर हर जगह सरकार बनाई गई। फिर जो लोग झुकते हैं और जो लोग झुकते नहीं उन्हें ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कराने के और डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है, और अब यह प्रयास जमकर किया जा रहा है। तो जिस तरीके से मोदी विरोध में पूरे देश दहल उठा है, उसको लेकर यहाँ पूरे देश के अंदर डरने वाले मामला और धरने पर जिस तरीके से लोग डरा रहे हैं और जिस तरीके से लहरा रहे हैं वो सिर्फ मोदी के खिलाफ ही हो रहा है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।